हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश क्लास. वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 8, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. ठीक है, पृथ्वी के अंत तक की यात्रा. इसमें हमने पढ़ा कि दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली ज्योग्राफी, क्योंकि कह सकते हैं कि ज्योग्राफी पर भी बेस्ड चैप्टर है. ठीक है, इसमें हम एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ रहे हैं, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, सबसे ड्राई, सबसे सूखा, सबसे विंडेस्ट, सबसे हवादार कॉन्टिनेंट है. ठीक है, अब तिशानी दोषी जो राइटर है इस चैप्टर की, वो जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं. ठीक है, और रशियन जो शिप से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, जिसका नाम होता है एकेडमिक शोलस की. ठीक है, और मद्रास के इक्वेटर से 13.09 डिग्री, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा से जो है 13.09 डिग्री से अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं. और जो वहाँ तक पहुँचने में, एंटार्क्टिका पहुँचने में उन्हें जो है 9 टाइम जोन को क्रॉस करके पहुँचना होता है, 6 चेक पॉइंट्स को, कई सारी जो है ओशंस वगैरह को, और कई सारी इकोस्फेयर्स को. ठीक है, फिर सेकेंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि उन्होंने लगातार 100 आवर्स की जो है ट्रैवल करा, लगातार 100 घंटे की यात्रा करी, जिसमें कि शिप से, एरोप्लेन से, ठीक है, कार से, इन सब से. अब वो कहती है जैसे ही मैंने वहाँ पर पहला कदम रखा एंटार्क्टिका में, मैं बिल्कुल जो है मुझे बहुत राहत मिली, सफ़ेदी बिल्कुल चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी, और जो नीला क्षितिज था वो भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था. ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि उसके बाद में तुरंत ही मैं जो है आश्चर्य से भर गई. आश्चर्य इस बात का था कि कितना, एक तो इतना बड़ा विशाल है, ठीक है, एक अलग थलग है, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी टाइम पे इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमार्क का, एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे. अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पहले कैसे इंडिया और एंटार्क्टिका जो है एक ही लैंडमार्क का हिस्सा हुआ करते थे. ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 जो है मिलियन साल पहले, एक जायंट एमिग्रेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, एक बहुत ही बड़ा सा भूखंड हुआ करता था. ठीक है, जिसका नाम था गोंडवाना, एक लैंड हुआ करता था, गोंडवाना नाम था. डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में वो था. ठीक है, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, कहें तो ये एंटार्क्टिका जो है, आज का जो हमारा एंटार्क्टिका है, वो उसके बीच में था. ठीक है, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीज़ें अलग थी. ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ह्यूमंस जो है, मनुष्य जो है, वो धरती पर नहीं आए थे. एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था वो भी बहुत गर्म था, जो जलवायु थी वो भी बहुत गर्म थी. होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बहुत ज़्यादा वेराइटी थी. फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे वगैरह, ठीक है, वेजिटेशन, वनस्पति वगैरह जिसे बोलते हैं. फौना मतलब ये जानवर वगैरह. ठीक है, तो उस समय बताया गया है 650 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा सा भूखंड हुआ करता था, एक लैंडमार्क हुआ करता था, जिसका नाम था गोंडवाना. ठीक है, और ये जो आज का प्रेजेंट एंटार्क्टिका है वो उसके सेंटर में था, और उस समय चीज़ें बिल्कुल अलग थी. ह्यूमंस जो है धरती पर आए नहीं थे, क्लाइमेट भी बहुत गर्म था, केवल पेड़ पौधे जानवर वगैरह यही थे. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, 500 सालों तक तो गोंडवाना जो है वो फला फूला. ठीक है, थ्राइव फ्रॉम फला फूला. बट अराउंड द टाइम वेन द डायनासॉर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन जब समय आया डायनासॉर्स के जाने का, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और जो मैमल्स मतलब स्तनपाई जानवर के धरती पर आने का, द लैंडमार्क वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इंटू कंट्रीज, तो ये जो भूखंड है, ये जो लैंडमार्क था, वो अलग अलग देशों में बट गया. शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे, और जैसे कि आज ग्लोब की शेप है, जैसे कि आज हम जानते हैं, वैसी कुछ हो गई. आए बेटा समझ में? तो ये जो है इसकी हिस्ट्री बताई गई है. टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, लेकिन आज उस एंटार्क्टिका में जाना एक इतिहास बन चुका है. ठीक है, एक इतिहास का हिस्सा बन चुका है. टू गेट ए ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, अगर हम एक झलक देखें, ग्रैप्स देखें कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, और संभव तरीके से हम कहाँ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इज टू अंडरस्टैंड द कोरिडियन सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिडियन फोर्स, तो हमें जो है सिग्निफिकेंस, महत्व समझना होगा कोरिडियन फोर्स का. कोरिडियन फोर्स का मतलब होता है जो पैरेलल माउंटेन रेंजेस होते हैं, जो मतलब समांतर पर्वत श्रृंखलाएं. ठीक है, तो हमें जो है माउंटेन्स के बारे में पढ़ना होगा. प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और हमें जो है प्री कैम्ब्रियन जो है, कैम्ब्रियन मतलब भौमिक युग के, ग्रेनाइट शील्ड्स, ग्रेनाइट की कवचों के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा. ओजोन एंड कार्बन के बारे में समझना होगा, इवोल्यूशन कैसे इनका जो है डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, एक्सटेंशन कैसे लुप्त हुए, इस चीज़ को हमें समझना होगा. अगर हम ये सोचना चाहते हैं ना कि
हम कहाँ से आए हैं, कहाँ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ना होगा, ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में पढ़ना होगा, ओजोन के बारे में समझना होगा, ठीक है। वेन यू थिंक अबाउट ऑल डैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आप ऐसा सोचते हो कि ये सब एक मिलियन साल में हो गया, इट गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। तो ये आप बहुत ही आपके एक अचंभा सा आता है आपको, ठीक है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, कि कल्पना करो भारत जो है, इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जो है धकेला जा रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, और जाकर किससे जाकर मिल गया, एशिया से जाकर मिल गया, टू बकल इट्स क्रस्ट, और उसका जो क्रस्ट है, जो निचली जो लाइन होती है, ठीक है, वो क्या हो गई, उसकी मुड़ गई, एंड फॉर्म द हिमालयस, और क्या बन गए, हिमालय बन गए। अब एक तरीके से बेटा इमेजिन करा गया कि हिमालयस किस तरीके से बने होंगे, ठीक है। तो उतार के इमेजिन करो, इंडिया जो है ऊपर की साइड जाकर एशिया से मिला, तो उसका जो निचली किनारा है वो मुड़ गया, जिससे कि हिमालयस बने। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका से जाकर जुड़ गया। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कुलर करंट, लेकिन दोनों के बीच में एक ड्रैग पैसेज, एक दर्रा बन गया, जिससे कि ठंडी धाराएं जो ध्रुवी धाराएं हैं वो आने लगी, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिज, और उसी की वजह से एंटार्क्टिका बहुत ही ठंडा, डेसोलेट, बिल्कुल अलग थलग, ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बिल्कुल बॉटम में नीचे आकर बस गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से इमेजिन करा गया किस तरीके से हिमालयस वगैरह बने होंगे, ठीक है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर इमेजिनेशन। अब राइटर कहती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था तिशानी दोषी जो है, इसकी राइटर जो है वो एक साउथ इंडियन है, तो वो कहती है कि मेरे जैसी एक सूर्य की पुजारी, ठीक है, जो कि मैं एक साउथ इंडियन हूँ, दक्षिण भारत के लिए एक ऐसी जगह पर 2 हफ्ते गुजारना जहाँ दुनिया की 90% बर्फ मिलती है, ये एक बहुत ही डरावना जो है संभावना है। केवल जो है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक जानते हो ना, रक्त संचार जिसे बोलते हैं, ठीक है, कि रक्त संचार के लिए या और जो है गतिविधियां हैं उनके लिए नहीं, बल्कि एक कल्पना के लिए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मेरे जैसी साउथ इंडियन जो कि सूर्य की पूजा करती है, ठीक है, तो एक ऐसी जगह पर 2 हफ्ते गुजारना जहाँ 90% जो है दुनिया की बर्फ मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सूरज वगैरह दिखाई नहीं देता, तो बहुत ही मुश्किल रहा है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। अब वो कहती हैं कि वहाँ की बर्फ पर, एंटार्क्टिका की बर्फ पर चलना ऐसा लगता है कि जैसे कि टेनिस की जो गेंद होती है, पिंग पोंग बॉल जो होती है, टेनिस की गेंद जो होती है, ठीक है, वैसे चलने जैसा होता है, ठीक है, जैसे टेनिस की बॉल होती है ना, उस तरीके से लगता है। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, वहाँ कोई मानवीय मनुष्य के निशान से वंचित है, मतलब कि कोई ह्यूमन बींग्स, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है वहाँ, जनसंख्या नहीं है, नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है, बिलबोर्ड्स, कोई विज्ञापन के बोर्ड वगैरह नहीं है, बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग्स, इमारतें नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ परस्पेक्टिव टाइम हियर, अब यहाँ आकर आप जो है समय, जो है समय से रिलेटेड, ठीक है, सब कुछ खो देते हो, सारा जो है एक तरीके से अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, यहाँ आकर आप सब कुछ खो देते हो, यहाँ टाइम वगैरह का आपको कुछ पता नहीं चलता। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, अब वो बोलते हैं कि यहाँ अगर आपको समय वगैरह सब कुछ खो देते हो, जो विजुअल स्केल है, ठीक है, कि आपकी जहाँ तक आपकी नज़रें जहाँ तक जाती हैं ना, ठीक है, तो वहाँ तक आपको क्या दिखाई देता है कि एक तो माइक्रोस्कोपिक छोटे, ठीक है, से लेकर माइटी, सॉरी माइटी छोटे से लेकर माइक्रोस्कोपिक बड़े, जो आपको जो है ये जीव जंतु वगैरह है, केवल यही आपको जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है। ये जो मिजेस एंड माइट्स जो बेटा है वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, मच्छर वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। टू ब्लू व्हेल्स, छोटे छोटे आपको कीड़े वगैरह मकोड़े दिखाई देंगे, से लेकर बड़ी बड़ी आपको जो है ब्लू व्हेल्स, जो है ब्लू व्हेल भी
दिखाई देंगी। मतलब कहने का मतलब कि सारी आपको जो समुद्र में जो रहते हैं ना जीव जंतु, वही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी यहाँ अर्थ पर जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ कोई बोर्ड, कोई बिल्डिंग्स, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन कुछ नज़र नहीं आती, केवल यहाँ पर आपको बर्फ़ ही बर्फ नज़र आएगी, ठीक है। आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ बर्फ़ के पहाड़ आपको देशों जितने बड़े मिलेंगे, इतने बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मिलेंगे। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना बर्फ़ का पहाड़, हिमशैल जो होता है वो बेल्जियम जो देश है ना उसके बराबर का है, इतना बड़ा है। डेज गो ऑन 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 एंड ऑन इन शोरियल, यहाँ दिन रात जो है वो ऐसे चलते जाते हैं जैसे कि कोई सपना जो है वो चल रहा हो। यहाँ 24 घंटे जो हैं वो बिल्कुल सपने की जैसे जो है चलते जाते हैं, ठीक है। 24 आवर्स ऑस्ट्रियल समर लाइट, ठीक है, कि यहाँ जो है 24 घंटे यहाँ 24 घंटे जो है बिल्कुल एक सपने की जैसे ऑस्ट्रियल जो समर लाइट है, गर्मी की जैसी रोशनी होती है वैसे चलते जाते हैं। एंड ए यूबिकिटी साइलेंस, और एक बिल्कुल चुप्पी है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ एकदम जो है शांति है, ठीक है, चलते जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही एक अजीब सी जो है आपको पूरी तरफ यूबिक्विटी से चारों तरफ आपको एक शांति मिलेगी, ठीक है। और दिन रात जो है अजीब तरीके से यहाँ चलते जाएंगे, एक आपको शांति सी जो है यहाँ पर महसूस होगी। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल अवलेंस ऑफ कैल्विंग आइस शीट, यहाँ आपको बिल्कुल शांति मिलेगी, केवल आपको जो एक आवाज़ जो आएगी ना वो या तो आएगी बर्फ के जो है उसे क्या बोलते हैं कि जैसे कि बर्फ़ के गिरने की, बर्फ़ के खिसकने की, ठीक है, बिल्कुल वैसी आपको जो है आवाज़ आएगी, बिल्कुल कार्विंग आइस शीट। कार्विंग का मतलब जानते हो मेरा जो बछड़ा होता है कितना सफ़ेद होता है जब होता है, तो बिल्कुल वैसी आपको जो है बर्फ़ की सी शीट नज़र आएगी। कंसनट्रेट द प्लेस, ठीक है, तो बिल्कुल वैसी बर्फ़ के खिसकने वगैरह की ये जो है ना कभी कभी ये आवाज़ें ज़रूर आपको आएंगी, बाकी यहाँ बिल्कुल शांति है। इट्स एन इमर्जन डैट विल फोर्स यू टू टेक टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। अब वो कहते हैं कि एक ये एक तरीके का मतलब कि जो है इट्स एन इमर्जन, ये एक इमर्जन है, ठीक है, डैट विल फोर्स यू, ये एक ऐसा जगह है जो आपको ऐसे पवित्र करती है, आपको एक फोर्स करती है, आपको जोर डालती है, आप अपने आप को जो है यहाँ पर अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानने के बारे में, भौगोलिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जानने के लिए फोर्स करती है, ठीक है, आपको बांध कर रखती है, बाध्य करती है कि आप भौगोलिक जो है इतिहास जानो। एंड फॉर ह्यूमन्स, और जहाँ तक मनुष्य की बात है तो यहाँ जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस का मतलब होता है कि यहाँ की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, कि यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ जो मनुष्य के लिए जो है यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है, ठीक है, कि ऐसा माना गया है, जो है अनुमान लगाया गया है, ठीक है, कि इंसानों के लिए ये रहने लायक जगह नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी तक हमने इसके जो है बड़े हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ठीक है, आज के में हमने एक तो हिस्ट्री पढ़ी इसकी, कैसे ये जो है गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था, और ये तब की बात है जब ह्यूमन बीइंग्स अर्थ पर नहीं आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डायनासोर्स जाने लगे, मैमल्स आने शुरू हुए, तो ये जो लैंडमास था ये अलग अलग कंट्रीज़ में बट गया, और जैसे कि आज ग्लोब की शेप है वैसी होगी। फिर हमने पढ़ा कि आज वैसे अंटार्कटिका में जाना तो एक इतिहास बन चुका है, लेकिन अगर हम सोचना चाहते हैं ना, समझना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ना होगा, ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में पढ़ना होगा, ओजोन के बारे में पढ़ना होगा, कार्बन के बारे में पढ़ा होगा। फिर हमने पढ़ा कि हिमालयस कैसे फॉर्म हुए होंगे, ठीक है, कि इंडिया जो है ऊपर की साइड उठा है, एशिया की जैसे मुड़ा है तो उसका किनारा मुड़ गया जैसे कि हिमालयस बने, ठीक है। फिर तिशानी दोषी कहती हैं कि मैं एक साउथ इंडियन हूँ, सन को वर्शिप करती हूँ, सूर्य की पूजा करती हूँ, तो मेरी जैसी साउथ इंडियन को एक ऐसी जगह पर 2 हफ्ते बिताना जहाँ को सूरज ही नहीं दिखाई देता, केवल चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और वो भी वर्ल्ड की टोटल 90% बर्फ यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, कोई मानव के निशान नहीं है, कोई ट्रीज़ नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ आकर आप जितने भी अर्थली सेंस है, अर्थ से रिलेटेड जितनी भी भावनाएं हैं, ये सब कुछ खो देते हो, यहाँ दिन रात ऐसे चलते रहते हैं, यहाँ पर आपको अगर नज़र आएंगे तो केवल समुद्री जो जीव जंतु है वो नज़र आएंगे, ठीक है। और ये हमने ये इसमें पढ़ा। अब कल जो है हम ह्यूमन इम्पैक्ट, ठीक है, ये पढ़ेंगे और चैप्टर को कम्प्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टिपिकल है, आप पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप पूछना।